नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ मुंबई में आपको मिलवाने जा रही हूं, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर आनंदम जी को। वो मुंबई से आए हैं खास हमारे स्टूडियो में। आनंदम जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और ऐसे ही महान हस्तियां हमारे एक्सोटिक चैनल पे आती रहती है, और आज ऐसी ही हस्ती को मैं मिलवाने जा रही हूँ और बहुत कुछ उनके बारे में आपको जानने को भी मिलेगा, तो जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आनंदम जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में, और आपको पूछना चाहूंगी कि आपकी ये संगीत की जो दुनिया है उसकी कैरियर की शुरुआत आपकी आपने कहाँ से की? नमस्कार। बहुत बचपन से, यानी 3 साल की उम्र से मैं संगीत के क्षेत्र में हूँ। फिर कारवा चलता गया, लोग बग मिलते गए और इसकी यात्रा अभी तक कायम है। वो तो है, लेकिन आपने कौन सी, मतलब कितनी उम्र से आपने ये शुरुआत की? उम्र 3 साल की उम्र से मैं हारमोनियम बजा रहा था, फिर सिंगिंग क्लासिकल भी करता रहा, और उसके बाद में मुंबई जाने का हुआ तो कल्याण जानन जी से मिले, तो इस कदर से यात्रा शुरुआत हुई। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि संगीत ऐसा है कि अगर कोई संगीत सुनता है तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर संगीत थोड़ा सा भी सुनने को मिल जाए तो कितना सारा स्ट्रेस दूर हो सकता है। तो ऐसे ही हम भी आपसे बहुत कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम उनसे गाने भी सुनेंगे। तो अभी के जो गाने हैं और पुराने जो गाने थे उसमें क्या फर्क है? पुराने गाने में काफी मेहनत करते थे, क्योंकि वन टेक रिकॉर्डिंग होता था, तो कुदरती थोड़ा सा टेक्निकली की वजह से काफी रियाज हो जाता था। वो प्लेयर्स लोग भी रियाज कर लेते थे, सिंगर लोग भी रियाज करते थे, फिर सबकी एक टीम होती थी कि डायरेक्टर बैठे हुए हैं, स्टोरी राइटर बैठे हुए हैं, सब उसमें जान देते थे। आज क्या होता है, सिंगर लंदन में है तो वहीं से वॉइस क्लिप भेज देते हैं। बिल्कुल, टेक्निकल मामला आने की वजह से उसमें शायद कहीं ना कहीं उसमें जो आत्मा रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा टीम वर्क जो होता था पहले, उसमें थोड़ा सा नजदीक भी आना तो काम बहुत अच्छा होता था। आज की तारीख में भी होता है, लेकिन सिंगर्स उधर रहते हैं, संगीत इधर हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ये फर्क आया। जी, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें आज भी लोग सुनते हैं तो अच्छा महसूस होता है, मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है। पुराने गाने जल्दी से याद भी हमें हो जाते थे, लेकिन आज के जो गाने बने हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हम मतलब जो यंग जनरेशन है उनको बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स की हम बात करें तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे पुराने गाने अच्छे थे, तो वो क्यों? बस ये मेहनत का ही कारण हो सकता है, और एक स्टोरी हुआ करती थी पहले गाने में जी, कि काव्यात्मक गजल नुमा इस कदर से कंपोजिशन होता था जी। इस यही मेन वजह है कि कविता और लिटरेचर लिखने वाले जैसे जावेद अख्तर जी हैं, कैफी आजमी हैं, साहिर लुधियानवी हैं, तो काफी अच्छा लिखते थे, और उसके बाद में संगीतकार के साथ में डिस्कस करते थे जी। फिर उसमें कविता के गाने के गीत के बोल के हिसाब से कंपोजिशन होता, तो ये वजह है कि पुराने गाने में मेहनत नजर आ रही है ये बात। बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके फेवरेट मतलब संगीतकार में कौन है? जी, मेरे गुरुजी तो कल्याण जी भाई हैं, कल्याण जी आनंद जी में से, और मुझे संगीत अति प्रिय है लक्ष्मीकांत करेला जी का, क्योंकि उनके हर एक कंपोजिशन में होती है और क्लासिकल का अंदाज होता है। जी,
तो बीट का उनको जो नॉलेज है उनसे काफी मैं इम्प्रेस हुआ, बहुत मजा आता है। तो ऐसे ही कल्याण जी भाई के साथ आपने किस किस गाने की रचना की है वो आप बताएं, और एक कोई गाना भी हमें सुनाइए आप उसमें से। मैं और साधना सरगम और सोम अली वाजपेयी कल्याण जी भाई के घर पे रियाज करते थे, तो कोई राग ले लेते थे, उस राग में से हम लोग गाते थे। तो होता यह था कि अपने को यूँ लगे कि खाली सरगम गा रहे हैं, लेकिन उसमें से कल्याण जी भाई आइडिया लेते थे और इनका जो घराना है ग्वालियर पटियाला घराना, तो वो क्लासिकल का पूरा उनको पूरा सेंस था। और गायक होते थे उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक होते हुए, क्योंकि एकदम जागती जो बोले ना बन गई स्कूल पे जी। उनका एक वर्ड्स ऐसा होता कि आप उसमें से बहुत कुछ सीख सकते, बहुत कुछ। तो जैसे आनंद जी भाई बोलते हैं ना कि आपको गाने का एक लाइन है तो उसको आप कैसे बोलते हैं, देखिए कि आप कैसे हैं, फिर आप बोलो आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो ये सारा का सारा अंदाज जो है वो अपनी जो बोली है वो गाने में गीत में डालते हैं, ये एक बहुत बड़ा उनका गुण था। वो कहते थे गायक को इस कदर से सब गायक उनके पास में गाने को मोहताज होते थे। ये बजे तो आपने उनके साथ कौन सी गाने की रचना की वो थोड़े से गाने हमें बताइए, और उनमें से कोई एक गाना ऐसा हो जो हमें सुनाई दिया। जब मैं था तो मोहरा का चल रहा था और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, यह बजाना। बहुत ही अच्छा गाना, आपकी आवाज बहुत ही मधुर है, हमें भी सुनने में अच्छा लगा। और अभी हम बात करेंगे कि जो संगीत की दुनिया में आप आए हो तो किसकी प्रेरणा से आपने ये म्यूजिक और संगीत को अपना पैशन बनाया है। देखिए मुझे सबसे पहला प्रश्न कल्याण जी बानी यही पूछा था कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है जी, है ना। तो मेरे को जो वाकई में फेवरेट थे दिल के करीब वो थे किशोर कुमार। अब उनका सुर लगाने का आवाज एकदम खड़े सुर और परफेक्ट सुर लगाने का, तो तुरंत मेरा आंसर सुन के कल्याण जी भाई बोले थे नहीं वैग धनुष की तरह है, नहीं सातों सात रंग ये गायक में है जी। तो एक लाइन में कोशिश करूंगा। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। बहुत ही अच्छा, आपने अनूप जलोटा जी के साथ भी काम किया है, तो
वो क्या मतलब कौन से कोई सॉन्ग आपने उनके साथ किए थे तो वो बताइए सर, और कैसा रहा अनूप जलोटा जी के साथ आपने काम किया तो कैसा अनुभव रहा? जी काफी महारथी है वो, जब गाते हैं तो बड़े बुलंदे के साथ में गाते हैं, भजन सम्राट तो हैं ही, बिल्कुल लेकिन साथ साथ में गजल्स, और उनका भी एक अंदाज है ना, जी और जब गाते हैं तो पूरे डूब के गा जाते हैं ऐसा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल संगीत में डूबना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल बिल्कुल और वो डूब के गाते हैं। जी एक एक लाइन में, जो किसी को अगर कुछ आगे बढ़ना है तो एक एक लाइन उनकी एक लेसन होती है। जी तो अभी मेरा एक एल्बम आया था, तो उसमें मैंने भजन में म्यूजिक दिया था, वो भी काफी हिट हो रहा है, वायरल भी हो गया। जी कौन सा था? देव नहीं महादेव शिवा, देव नहीं महादेव शिवा, कहो नमः शिवा, बोलो नमः शिवाय, देवों में देव महादेव कहाँ, देवों में देव महादेव कहाँ, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, देव नहीं महादेव शिवाय। ये भजन तो ये मैंने ही लिखा था और संगीत भी मेरा था, तो तीसरे से ये लॉन्च हुआ। बहुत ही अच्छा। आज यहाँ पे अगर ऐसे ही हम भी एक अच्छा सा ऐसे ही लाइव प्रोग्राम आपका यहाँ पे रखेंगे, फिलहाल तो हम थोड़ी थोड़ी सी झलक ही आपको दिखा रहे, दर्शक की तरह आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारे गीत हम आज आनंदम जी के मुख से सुनेंगे, क्योंकि ऐसे ही महान हस्ती हमारे बीच में है, तो आज हम जरूर उनका लाभ लेंगे और आप सबको भी सुनाएंगे कि अभी नवरात्रि आ रही है, तो उसके भी एक जो सॉन्ग है वो भी हम आपको बोलेंगे कि आप एक सॉन्ग वो भी सुनाइएगा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी आपको कि घराना क्या है और उसकी स्पेशलिटी क्या है? जी ये घराना जो है वो स्टाइल होती है कि उस्ताद जी जो हैं अपने शागिर्द को क्या देते जाते हैं, जी तो घराना सिस्टम बोलते हैं, फिर जी उनकी स्टाइल होती है सर। जी तो मुझे काफी अच्छा लगा था ग्वालियर पटियाला घराना, क्योंकि उसमें जो तान की तैयारी है, सरगम की तैयारी है, ये सब कुछ था उसमें, जी तो मुझे काफी दिल को छुआ। तो कल्याण जी भाई का भी घराना ग्वालियर पटियाला था, फिर नुसरत फतेह अली, जी मोहम्मद रफी जी, जी तो ये जो गुरु जी हैं वो सब शागिर्द लोगों को देते चले जाते हैं। तो उसमें देखिए आप सरगम की तैयारी कैसी होती है। सर सन धनी धन सन सरे ग सारे ग मे सारे 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 अभी जैसा कम भाई, और तान की तैयारियां जो है वो भी काफी दमाल और इसका तो ये दान तो मुझे काफी छुआ था, जी तो मैंने ये घराने को बहुत प्रणाम करते हुए इसमें दिलचस्पी ली और सीखा। मतलब काफी सालों से आप संगीत की दुनिया में है, तो मैं सुनना चाहूंगी आप गुजरात में आए हैं, सूरत में है, तो
तो एक गुजराती सॉन्ग हमें सुना दीजिए। क्या बात, माँ काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जो हूँ क्या जोग माँ। माँ काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जो हूँ क्या जोग माँ। ये तो एक हुआ। जी हे माड़ी तारू कंकू खरी सूरज उग्यो, माड़ी तारू कंकू खरी सूरज उग्यो, जग छूने वाला है। जी बिल्कुल ही, अभी नवरात्रि आ रही है तो ऐसे ही नवरात्रि में गाने बजेंगे और जी सब लोग गाने के साथ ऐसे ही झूमेंगे, क्योंकि गुजरात की नवरात्रि। सो गुजरात में ऐसी नवरात्रि और कहीं गुजरात जैसी होती नहीं है, गुजरात की ही नवरात्रि फेवरेट गिनी जाती है। तो ऐसे ही सॉन्ग सुन के हमें अच्छा लगा, लेकिन हम आपसे हिंदी और राजस्थानी सॉन्ग भी सुनना चाहेंगे। देखिए, राग देश जो है राजस्थान से पैदा हुआ है। वैसे बहुत से राग जो है राजस्थान में दिए हुए हैं, गुजरात ने भी दिया है, और पंजाब घराना जो है वो पंजाबी वहां से, उसकी भी सुंदरता है ना। वो तो अच्छे अच्छे गायक भी हैं, जैसे ऋचा शर्मा जी हैं, सुखविंदर साहब है, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गायक अपने को पंजाब से भी मिले हुए। बिल्कुल तो राजस्थान में एक घराना जो है उससे भी काफी मैं इम्प्रेस हुआ, बहुत मजा आया। गयो को
गिनता गिनता थक गई मारी उंगलियां धीरे पधारूंगी मार दे सरमावरे सारे दाल पदमग बहुत ही अच्छा राजस्थानी सॉन्ग हमें सुन के बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अभी हिंदी सॉन्ग भी सुनना बाकी है, लेकिन हिंदी सॉन्ग जो है उसमें मैं आपसे पुराना कोई गाना जो आपका फेवरेट है वो मैं सुनना चाहूंगी। सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम जिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम जिम गिरे सा महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बद रहा है एक अजनबी से हाय करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये लगन रिम जिम गिरे सा। बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा सॉन्ग है जो ओरिजिनल सॉन्ग है बट आपने कुछ अलग से कंपोज करके बनाया हो, ऐसा कोई सॉन्ग हमें सुनाइए। आपकी मदहोश नजरे कर रही है शायरी आपकी मदहोश नजरे कर रही है शायरी ये गजल मेरी नहीं ये गजल है आपकी। पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। बहुत अच्छे, ऐसे ही हमारे सूरत वासियों को आप आए हैं तो एक जो आनंदम जी यहाँ पे सूरत में आए हैं स्पेशल, तो उन्होंने एक ऐसा सूरत की जो जनता है वो म्यूजिक के बहुत शौकीन है, तो उनके लिए वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे वीक में 3 दिन म्यूजिक क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो उनकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा आपको मिलती रहेगी और आप देख लीजिएगा उसमें चैनल पे आपको मिलेगी। उनके पास अगर सीखना है आपको म्यूजिक तो जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा हमारा। और आज आनंदन जी आपको मिलके बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं भी म्यूजिक लवर्स हूँ। आपके प्रश्न जो है जी, क्योंकि म्यूजिक से भी मुझे बहुत अच्छा महसूस, मतलब इतने स्ट्रेस जो है पूरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें अगर संगीत थोड़ा सा भी हम सुनते हैं
पूरा स्ट्रेस में से हम बाहर निकल आते हैं, और ऐसे ही आप हमें संगीत सुनाते रहिएगा तो, और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। थैंक यू सो मच आप आए और इतनी अच्छी संगीत के बारे में हमें जानकारी दी, और आप सूरत में हमारे म्यूजिक क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सूरत खूबसूरत है जी, सूरत खूबसूरत, यहाँ के जो महसूस होता है जी वो अलग ही कुछ है, फीलिंग अलग है। तो आप हमारे सूरत वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं इधर आया हूँ, अब आप लोगों में हवाले हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जो महान हस्तियां होती है, मतलब संगीत के क्षेत्र में जो आगे होते हैं उनके पास अगर हम शिक्षा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ऐसे ही जो भी संगीत के मतलब रसिक है और वो जो संगीत सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आनंदम जी के पास आप सीखिएगा, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको संगीत के बारे में। तो ऐसे ही हम ऐसे ही हस्तियों के साथ, आइकॉनिक पर्सनालिटियों के साथ आपके साथ में जुड़ी रहूंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।